अरे क्या बात, आज खुशी के मौके पे ये उदासी का प्रोग्राम। अरे भाई, अब तो तुमने अपने सारे दुश्मनों से बदला भी ले लिया, तुम्हें तुम्हारा स्वर्ग भी मिल गया, फिर भी ये एयरपोर्ट। जब तक स्वर्ग में देवता नहीं होता, स्वर्ग स्वर्ग नहीं होता है। कल मैं उस मंदिर में जाऊंगा जहां साहब जी ने पहली बार इस अनाथ के सर पर हाथ रखा था। मुझे पूरा विश्वास है एयरपोर्ट, वहां मेरी प्रार्थना जरूर पूरी होगी। खाली पेट दवा भी क्या असर करेगी, भूख लगी है ना? दो दिन से तेरे पेट में अनाज का एक दाना भी नहीं गया और कहती है भूख नहीं लगी। मैं भी आता हूं। हे भगवान, मैं साहब जी को ढूंढ ढूंढ के थक गया, पता नहीं वो कहां होंगे, किस हाल में होंगे। तूने मुझे सब कुछ दिया है भगवान, मगर साहब जी के बिना सब अधूरा है। उनसे मिला दे भगवान, उनसे मिला दे मुझे। बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए। भाई साहब आप भी बैठ जाइए, कृष्णा जी आज खुद अपने हाथों से प्रसाद बांटेंगे। हो गया साहब जी, क्या हो गया? तेरे जाने के बाद किस्मत ही रूठ गई रे कृष्णा, सब कुछ छीन गया, यहां तक कि तेरी बड़ी मालकिन भी मुझे छोड़कर चली गई। हाँ हाँ, पता लगा साहब जी। तुझे कितने अरसे के बाद देख रहा हूं रे तुझे, हा? छोटी मालकिन कैसी है? No, no, no.
भाई तुम लोग एक दूसरे को देखते ही रहोगे या घर में भी चलोगे? चलिए साहब जी। हे कृष्णा, चल। स्वर्ग आपके बिना वीरान पड़ा है साहब जी। इन्हें मैं यहां लाया हूं साहब जी। तुम लाए हो साहब जी? इनको इनके किए की जितनी सजा मिलनी चाहिए थी उससे ज्यादा मिल चुकी है। अब ये लोग दुखी हैं, बेघर हैं, बेसहारा हैं। इन्हें माफ कर दीजिए साहब जी। माफ कर दूं? माफ कर दूं इन्हें? इन्हें माफ कर दूं? अरे ये तो मेरी पत्नी के कातिल और तुम चाहते हो कि मैं इन्हें माफ कर दूं? हा? ऐसा मत कहिए बड़े भैया, गलती तो छोटों से हो ही जाती है, मगर क्या बड़ों का ये फर्ज नहीं कि वो उस गलती को भूल जाए? अरे पगली, तेरे चेहरे पर मारा हुआ चाटा तू भूल सकती है, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। जो जख्म इन लोगों ने मुझे दिया है वो इस जन्म में तो क्या, मैं अगले जन्म में भी नहीं भूल सकता। इतने कठोर मत बनिए बड़े भैया, इनके इस बुरे वक्त में अगर आपने भी इनका साथ नहीं दिया तो फिर और कौन देगा? और फिर भूल गए भाभी क्या कहती थी, जो माफ करना नहीं जानता उसे भगवान भी माफ नहीं करता। ज्योति, इन्हें माफ ना करने के बदले में अगर भगवान मुझे नरक में भी जगह दे देना तो मुझे इस बात का अफसोस नहीं होगा, मगर मैं इन्हें दोबारा स्वर्ग में जगह नहीं दूंगा। अगर आज मैंने इन्हें माफ कर दिया तो वो बड़े भाई जो बाप की तरह छोटे भाइयों को पालते हैं वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। बात सीधी सी है रे ज्योति, अगर आज इन्होंने अपना बुरा वक्त सुधारने के लिए अपनी आंखों में आंसू भी भर लिए तो इस बात की क्या गारंटी है कि कल जब वक्त बदलेगा इनके रंग नहीं बदलेंगे? इस बात की गारंटी है? नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है। कृष्णा, इन लोगों को मेरी नजरों से दूर कर दो, मुझे घुटन हो रही है। एक दिन इन्हीं बच्चों को सीने से लगाकर तूने मुझे वचन दिया था कि कभी इनकी आंखों में आंसू नहीं आने देगा, और आज यही बच्चे तेरी आंखों के सामने हैं तो तुझे घुटन हो रही है। भूल गया अपना वादा, तोड़ दिया अपना वचन? डॉक्टर को लेकर नहीं कृष्णा, मैं जीना नहीं चाहता रे, मेरी मेरी हर खोई चीज तूने लौटा दी, मेरे 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 भाई, मेरे भाई, मेरी दौलत, मेरी इज्जत, मेरी इज्जत, मान मर्यादा, ईश्वर, इतने एहसान किए तुमने मुझ पर, एक एहसान और करते हैं। बोलो सब जी, हुक्म करो। झूठी का आत्म, ये पगली दिली दिल में बहुत बहुत प्यार करती है तुझसे। इसका हाथ बुला रही है मुझे। कृष्णा,
गलती ये क्या किया आपने? ये क्यों किया आपने? आपकी जिंदगी आपके मुट्ठी में थी और आपने मुट्ठी नहीं खोली साहब जी।